हेलो गाइस, स्वागत है आपका वीडियो टेक्निकल इंडिया में। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईफोन ऐसे जो लॉन्च हो चुका है 15 अप्रैल को, उसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं और क्या क्या स्पेक्स मिलती हैं। वैसे वो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। शुरू करते हैं इसकी डिस्प्ले से। इसमें मिलती है 4.7 इंच की एच डी प्लस डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, और लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, और काफ़ी स्मॉल है। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल के जो मोबाइल्स आ रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन के आ रहे हैं, लेकिन आईफोन वालों ने अब की बार छोटी डिस्प्ले दी है। उनका कहना है कि लोग अभी भी पसंद करते हैं और वो सक्सेसफुली इस डिस्प्ले के साथ हुए हैं, तो उनकी इस डिस्प्ले में विश्वास है। और बेजल्स भी देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मिलती है, जैसे कि iPhone 8 में थी और 8 Plus इनमें थी जो, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बेजल्स मिलती है जो कि आजकल बिल्कुल ही मतलब आउटडेटेड हो चुकी है। आजकल बिल्कुल स्मार्टफोन ऐसे आते हैं कि बेजल्स बहुत पतली होती है, लेकिन एप्पल ने ऐसा नहीं किया, बहुत बड़ी बड़ी बेजल्स दी है। और इसके जो डिस्प्ले साइज़ है वो बता चुका हूँ, 4.7 इंच है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसमें मिलता है लेटेस्ट A13 बायोनिक चिप, जो कि आपको iPhone 11 Pro 11 और 11 Pro Max में मिलती है, और बहुत ही अच्छा मतलब इसका परफॉर्मेंस है। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें तो वो भी 5 साढ़े 5 लाख का आता है, जो कि स्नैपड्रैगन 855 Plus या 865 को टक्कर देता है। और ये बहुत ही अच्छी चिप है, आपको गेमिंग में और कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस फ़ोन को ले सकते हैं। और बात हुई इसके कैमरा की, तो कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, सिंगल ही कैमरा मिलता है। ये वैसे एक हंसी किसी बात लगती है कि सिंगल कैमरा आज के ज़माने में, लेकिन 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सिंगल, पोर्ट्रेट मोड भी मिलेगा, सारी बात मिलेगी। और आईफोन मतलब मेगापिक्सल्स में बिलीव नहीं करता कि 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल्स, ये प्रोसेसिंग जो होती है ना इनकी वो बहुत अच्छी होती है, तो फोटोज़ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी। और सामने की बात करें सेल्फी कैमरा की, वो भी आपको 7-8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि iPhone 8 और इनमें मिलता था। और कैमरा क्वालिटी आएगा तब देखेंगे, बहुत ही अच्छी है। अब बात करें कि बैटरी की, तो बैटरी वैसे एप्पल बताता नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं है, कभी भी नहीं बताता अपने लॉन्च में, लेकिन वो आएगा जब देखेंगे। लेकिन इसकी फास्ट चार्जिंग का पता चला है कि 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है इसमें, और लेकिन बॉक्स में आपको 5 वोट का चार्जर मिलेगा, स्लो चार्जर। ये भी बहुत एक हंसी की बात है कि 5 वोट का चार्जर मिल रहा है, आजकल 50 वोट 65 वोट तक के चार्जर आने लग रहे हैं। और अब बात करते हैं इसकी साउंड की, तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, मोनो के नहीं है, बिल्कुल स्टीरियो, अच्छी क्वालिटी की साउंड मिलेगी। हेडफोन जैक इसमें नहीं मिलता, और बाकी फ़ोन बहुत ही अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को स्मॉल डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए होता है। बहुत से लोग जो चाहते हैं कि स्मॉल डिस्प्ले वाला, अच्छे प्रोसेसर वाला, अच्छे कैमरे का फ़ोन मिले, तो ये उनके लिए है iPhone SE। और इसका नाम है iPhone SE 2020। जो तो पहले रूमर्स थे iPhone SE 2, iPhone 9, उनमें से कोई नाम नहीं है, iPhone SE 2020 नाम है इसका। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो US में इसकी प्राइसिंग है बेस वेरियंट की, क्योंकि ये 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 64 GB, 128 GB और 256 GB। तो 64 GB की जो US में प्राइस है वो है $400, जो कि इंडियन करेंसी की बात करें तो 30,000 रुपये हो जाती है। और यदि 128 GB वाले वेरिएंट की बात करें तो US में $450 उसकी प्राइस है, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 38,000 रुपये प्राइसिंग हो जाती है। और जो 256 GB वाला वेरियंट है, टॉप वेरियंट, उसकी प्राइस $500 है US में, और यहाँ पे अगर कन्वर्ट करें तो कुछ 42,000 का फ़ोन बैठता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया में प्राइसिंग बताई है उन्होंने, सिर्फ बेस मॉडल की बताई है जो कि 64 GB वाला, उसकी प्राइस 42,500 में मिलती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों, इतना महंगा इंडिया में क्यों कर दिया है, और ऐसा इस फ़ोन के साथ नहीं है, बल्कि सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, क्योंकि देखते हो आप बेस मॉडल US में 30,000 का है मान लो इंडिया का, क्योंकि $400 है, और यहाँ पे आपको वही 42,500 मिलता है, यानी कि 12,500 का डिफरेंस आपको मिलता है, जो कि एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। वैसे फ़ोन बहुत अच्छा है और सबसे सस्ता मतलब ये आईफोन कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा। तो यही साथ वीडियो करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक